और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशील मोदी आज मधुबनी के दौरे पर होंगे। झंझारपुर का दौरा करेंगे सुशील मोदी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि खोपा कॉलेज प्रांगण में जनसभा आयोजित की जा रही है। झंझारपुर के दौरे पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार बीजेपी खेमे की सक्रियता बढ़ी हुई है, नेताओं का दौरा चल रहा है, महागठबंधन की सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। तो खोपा कॉलेज प्रांगण में आज जनसभा को संबोधित करेंगे सुशील मोदी। मधुबनी के दौरे पर आज सुशील मोदी रहेंगे, जहां झंझारपुर में उनका कार्यक्रम है। झंझारपुर में खोपा कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे सुशील मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान। केंद्र में बीजेपी की सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं बीजेपी के नेता, और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद सुशील मोदी आज एक सभा को संबोधित करने के लिए खोपा कॉलेज प्रांगण में पहुंचेंगे। मधुबनी के दौरे पर आज रहेंगे सुशील मोदी। इस दौरान झंझारपुर में लोगों से संवाद करेंगे, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखेंगे और स्वाभाविक तौर पर महागठबंधन की सरकार की घेराबंदी होगी। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील मोदी के दौरे को लेकर तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। जी प्रशांत, सुशील मोदी आज आ रहे हैं। बिल्कुल, हमें देखिए आज सुशील पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी का आज झंझारपुर दौरा है, जहां खोपा में एक कॉलेज के प्रांगण में वहां सुशील मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ मोदी के 9 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, उनकी जो योजनाएं रही हैं, वो जन जन तक कैसे पहुंचे, उनका भी वो प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार जो लोगों से मिलकर और उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। जी, किस तरह की तैयारी है बीजेपी खेमे में, कैसा उत्साह है? बता दें आपको, जो कुछ दिन पूर्व में ही अमित शाह का ये प्रोग्राम झंझारपुर में ही होना तय हुआ, तो संभावित कार्यक्रम था जिसे रद्द कर दिया गया था, बहरहाल वो रद्द हो गया था। लेकिन इस बार भी जिस तरीके से बीजेपी के जो खेमे हैं वहां पे एक बार फिर से बड़े नेता, कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी का प्रोग्राम बिस्फी में देखने को मिला, इस बार झंझारपुर में देखने को सुशील मोदी का प्रोग्राम देखने को मिला, तो लगातार जो बीजेपी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, बूथ स्तर के नेता है, उनमें एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नजर बनाए रखे प्रशांत, हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।